हे एवरीवन, कैसे हैं सारे आप। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक वीडियो लेकर के। दोस्तों, महान सफलता का डर इतना बड़ा होता है कि कुछ लोग अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। आपको जब भी लगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है तो अपने आप से सवाल पूछें कि अगर आप सफल नहीं हुए तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, और साथ ही साथ यह भी सोचें कि अगर जीत गए तो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। एक कॉमेडियन रेडियो स्टेशन में काम करता था, उसका प्रोग्राम काफी पॉपुलर था। एक दिन उसके पास एक अखबार से फोन आया कि वो उस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं। अब इंटरव्यू पूरा हुआ तो उससे पूछा गया कि आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं। तब तक उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा था। एकदम से उसके मुंह से निकला कि मैं सबसे तेज बोलने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। अखबार में अगले दिन वो आर्टिकल छप गया और इत्तेफाक से उसी दिन शाम को उसके पास एक दूसरे शो का ऑफर आ गया। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। शो के डायरेक्टर चाहते थे कि उसी रात उनके प्रोग्राम पर वो शख्स रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करे। वो कॉमेडियन बड़ी कशमकश में फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हां करे या ना करे। उसने पहले कभी शो का नाम तक नहीं सुना था। बताया गया कि वो नेशनल टेलीविजन का एक बड़ा शो था, किसी के लिए भी यह जिंदगी का एक मौका था जो दोबारा नहीं मिलने वाला था। कुछ देर सोचने के बाद उसने शो के डायरेक्टर को अपनी सहमति दे दी। फोन रखने के साथ ही वो सोच में पड़ गया कि मैं शो पर क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। घबराया हुआ था और एक्साइटेड भी था। रात 8 बजे गाड़ी उसे लेने के लिए आ गई। वो पूरे रास्ते पर सोचता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, पर स्टूडियो में पहुंचने पर उसकी बोलती बंद हो गई। बिल्कुल बोलती बंद हो गई। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे कि अगर मैं रिकॉर्ड ना तोड़ पाया तो यहां भी सबसे बुरा क्या हो सकता है कि मैं नेशनल टेलीविजन पर एक मूर्ख जैसा लगूंगा, और इसके उल्ट मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मन में इन सवाल जवाबों के बीच वो परीक्षा की उस घड़ी में कूद गया। शो खत्म होने के बाद वो 1 मिनट में 585 शब्द बोलकर सबसे तेज बोलने वाला पुरुष बन चुका था। कोशिश तो करो, हमें सीख मिलती है। कोशिश तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो भाई गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। गिर जाएंगे ना, फिर उठेंगे। कितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर कुछ करते रहो। बैठो मत, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। बैठो मत, चलते रहो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप। थैंक यू।